ओम है, यहाँ से 0.8 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, वट एवर, इसको मैं नाम दे देता हूँ करंट I1, और इसमें करंट I2, और यहाँ से करंट I, ठीक है। तो ये कहता है कि पोटेंशियल ड्रिप 4 ओम रेजिस्टेंस, 4 ओम वाला किधर है भाई, तो 4 ओम वाला ये वाला है, तो इस 4 ओम वाले में अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है तो इसमें करंट और मल्टीप्लाइड बाई इसका रेजिस्टेंस, तो इसका रेजिस्टेंस तो मुझे पहले से पता है, मतलब इस मेन करंट आई निकाल लूँ तो मल्टीप्लाई कर दूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो आई कैसे निकाला जाए, देखो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, ठीक है भाई। ऊपर वाला ऊपर I1 मल्टीप्लाइड बाई 3 मस्ट बी इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई I2, और I1 की वैल्यू इन्होंने दे रखा है 0.8 एंड दैट इज 6 मल्टीप्लाइड बाई I2। तो यहाँ से बच्चों मुझे मिल जाएगा ये 2 टाइम्स कट जाएगा और ये 4, तो I2 की वैल्यू आ जाएगी 0.4 एम्पियर। तो I2 0.4 और I1 0.8, तो I नेट करंट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा I1 प्लस I2 का सम, दैट इज 0.8 और प्लस 0.4 दैट इज 1.2 एम्पियर, दैट इज नेट करंट। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 4 ओम के अक्रॉस, तो दैट इज V इज इक्वल टू IR, तो I की वैल्यू कितनी है 1.2 और रेजिस्टेंस इसका 4 दिया है तो 4.8, तो 4.8 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द दिस 4 ओम रेजिस्टर, दैट इज सी ऑप्शन सही है। चलो तो ये